नमस्कार, मैं सपना सिंह वीर जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज बनाने जा रहे हैं हम भरवा टमाटर की सब्जी, तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। सब्सक्राइब कीजिए वीर जी किचन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो इसके लिए हमने 4 से 5 बड़े आलू लिए हैं। हमने इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद हमने आलू को ठंडा करके तोड़ लिया है, बारीक बारीक तोड़ा है। 2 बड़े चम्मच ऑयल, 1 मीडियम साइज का प्याज, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून राई, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट, 2 से 3 कली लहसुन की, इसको हमने 2 2 पीसेस में कट कर लिया है, थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ, 5 से 6 टमाटो, 2 हरी मिर्च। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम टमाटो कट बारीक करेंगे। टमाटो इस तरीके से हम टमाटो के कट करेंगे, हम इस तरीके से कट लगाएंगे, इस तरीके से साइड निकाल देंगे और इस तरीके से अब हम एक स्पून लेंगे और इसके पीछे की साइड से हम इस तरीके से इसका पल्प जो है निकालेंगे। आप देख सकते हैं हमने जो है इसका पल्प निकाल दिया है और एकदम खाली हो गया हमारा टमाटो जो है। और इस तरीके से हम सारे टमाटोज कट कर लेंगे और उसका पल्प निकाल देंगे। हम एक इस बाउल तरीके में से हमने डाल सारे दिया। टमाटोज कट कर लिए हैं और उसका पल्प जो हमने एक बाउल में निकाल लिया है। और हम पल्प को जो है वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम यूज करेंगे, तो इसको हम साइड कर देते हैं। अब हम इसके लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमारा ऑयल जो गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम जीरा। जीरे को हल्का ब्राउन होने देंगे। जीरा ब्राउन हो गया है, अब इसमें डालेंगे अनियन, धनिया, प्याज, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। देखिए हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसको हम 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। अब हमने ये सारी चीजों को पका लिया है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब हल्दी पाउडर को हम मीडियम गैस पे थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं, 1-2 मिनट। अब हमारी हल्दी जो पक चुकी है, अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डाल लेते हैं और नमक भी। अब इसको मिक्स करके अब इसमें डाल देंगे हम आलू। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसको जो हम 1 मिनट के लिए पका लेते हैं मीडियम गैस पर ही। हमने इसको थोड़ी देर के लिए पका लिया है। अब हमारी स्टफिंग तैयार है, हम गैस बंद कर देते हैं। आइए तो अब हम टमाटोस भरेंगे। हमारी स्टफिंग जो है टमाटो के अंदर डालेंगे इस तरीके से और इसको जो है प्रेस करेंगे, दबाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे इस तरीके से और प्रेस करते जाएंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम सारे टमाटोज भर के देखिए तैयार कर दोस्तों, लेते हैं। हमने सारे टमाटोज भर लिए हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। इसके लिए जो है थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही चाहिए होता है, तो हम थोड़ा सा सारा ऑयल डाल देते हैं। अब ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम राई। राई को हल्का सा चटकने देते हैं। देखिए अब इसमें डालेंगे हम लहसुन, जिसको हमने बारीक मोटा मोटा कट किया था। इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए हम डालते हैं, और आपको नहीं डालना तो कोई बात नहीं है। अब हरी मिर्च भी डाल देते हैं। अब इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। लहसुन को इसमें डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब हम
इसमें जो है टमेटोस रख देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे नमक टमाटो के ऊपर से, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। अब इसको जो आप ढक देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक से दो मिनट हो गई है। अब हम इनको जो है पलटेंगे, इसको हम आराम से पलटेंगे इस तरीके से। अब इनको जो आप खोल कर ही पकाएंगे, क्योंकि हमारे टमाटर जो है पक चुके हैं, थोड़े थोड़े रह गए हैं, तो उनको इस तरीके से खोल कर पकाएंगे आराम से। इनको जो है आराम से पलटना है, वरना हमारी स्टफिंग जो है बाहर आ जाएगी। जो है पक चुके हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे और इनको जो हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब जो हमारे कढ़ाई में ऑयल बचा है आप देख सकते हैं, अब इसी में हम जो है जीरा डाल देंगे और गैस ऑन कर लेते हैं। अब जीरे को जो है हल्का सा ब्राउन होने देते हैं। अब हमारा जीरा पक चुका है, अब जो हमने टमाटो को पल्प निकाला था वो डाल देते हैं इसमें। अब इसको जो हम एक मिनट के लिए इस तरीके से चलाते रहेंगे और एक मिनट के पकाएंगे इसको मीडियम गैस पे। अब हमने इसको पका लिया है, अब जो हमारी आलू की स्टफिंग बची थी वो डाल देते हैं इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको गैस कर देंगे हम तेज। अब इसको गैस तेज पर ही हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए चलाना है।